शाहनवाज के फ्रोजन फूड्स अब एक नई पैकिंग के साथ, लेकिन जायका और मायार वही जिसे आपने हमेशा पसंद किया। 100% हलाल, जल्दी कीजिए और अपना फेवरेट शाहनवाज फ्रोजन फूड्स रियायती कीमत पर हासिल कीजिए। शाहनवाज, नाम ही काफी है। MQM लंदन की जानिब से इलेक्शन 2024 में शिरकत और उम्मीदवारों के ऐलान के बाद MQM पाकिस्तान और खुसूसन पीपल्स पार्टी के अरमानों पर ढेरों ओस पड़ गई है। यही नहीं बल्कि मुत्तहदा पाकिस्तान और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लीडरों और आला क़यादत की नींदों में भी खलल पड़ चुका है। वाज़ह रहे कि MQM का वोटर्स आज भी दिली तौर पर अल्ताफ हुसैन के साथ है, क्योंकि उसे ये मालूम है कि जिस तरह इमरान खान और तहरीक इंसाफ पर इल्ज़ामात की बिन मौसम बरसात हो रही है, ऐसा ही सब कुछ माजी में कायद तहरीक अल्ताफ हुसैन के साथ भी होता रहा है। लेकिन माजी में अवाम के पास मालूमात का ख़जाना इस तरह नहीं था जैसा कि अहद हाजिर में सोशल मीडिया पर हर खबर को अवाम तक पहुँचाया जा रहा है। अवाम ये भी जान चुकी है कि MQM कबानी मुश्किल के दरियाओं में गोते खा रहा है, माली मुश्किल से भी दो चार है, जबकि उसके साथी और उसके MNAs और MPAs मिलियनर्स बने हुए हैं। मुत्तहदा पाकिस्तान के अरकान और लीडरान हर दौर में इस्टेबलिशमेंट के हाथों कराची के अवाम के अरमानों का सौदा करते रहे हैं, जबकि पीपल्स पार्टी की आदतों और हरकतों से भी कराची के अवाम अच्छी तरह बाखबर हैं। सालों से कराची में पीपल्स पार्टी इख्तदार में है, लेकिन कराची सवरता है और ना ही कराची वाले, बल्कि उनके सरों पर गैर पढ़े लिखे जाली डिग्री वाले सिंधियों को हर आला ओहदे पर बड़े बड़े इदारों में लगाया जाता है, जो कराची और कराची वालों के साथ सरासर ज्यादती है। कराची के अवाम का कहना है कि अब वक्त आ गया है कि अपने वोट की ताकत से इन काली भेड़ों को उनके असल मुकाम पर भेजा जाए।